दोस्तों आज के इस भीड़ भाड़ वाले टाइम में अगर आप किसी अननोन जगह पे फर्स्ट टाइम जाते हैं या फिर आपके घर कोई आपका गेस्ट या फिर कोई रिलेटिव फर्स्ट टाइम आता है तो पता है सीन क्या होता है। हाँ भाई, इस मॉल के पास तो मैं पहुंच गया हूँ, अभी कहाँ जाना है? हाँ, ये जो दुकान बोल रहा हूँ, हाँ मेरे सामने ही है, अब किधर मुड़ना है? हाँ, मैं इसी चौक पे खड़ा हूँ, अब यहाँ से कहाँ जाऊँ? यार एक बात बताओ, तुम्हारे हाथ में स्मार्टफोन है, तुम्हारे हाथ में टेक्नोलॉजी है, तुम्हारे हाथ में इंटरनेट है, पता नहीं लोग ऐसी बेवकूफ़ी क्यों करते हैं। इसलिए क्योंकि उनको जो है टेक्नोलॉजी यूज़ करना नहीं आता है। आप जहाँ पे आधे घंटे में पहुँच सकते हो वहाँ पे लोग दो दो घंटे लगा देते हैं या उससे भी ज़्यादा, सिर्फ घूमने के चक्कर में। लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि एग्जैक्ट हम कैसे उस जगह पे पहुँचे। अभी ऐसी सिचुएशन में जो है आप लाइव लोकेशन का यूज़ कर सकते हो। लाइव लोकेशन जो है आपको एग्जैक्ट उस जगह पे पहुँचा सकता है बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि लाइव लोकेशन क्या होता है, लाइव लोकेशन को यूज़ कैसे करते हैं और लाइव लोकेशन का फ़ायदा क्या क्या होता है। दोस्तों इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। हेलो दोस्तों, मैं नजरुद्दीन अहमद, आप देख रहे हैं टेक ज्ञान क्लब, देर किस बात की। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप WhatsApp जरूर यूज़ करते होंगे। WhatsApp के अंदर एक फीचर होता है जिसकी मदद से आप अपना लाइव लोकेशन जो है किसी को शेयर कर सकते हो और लाइव लोकेशन कोई और आपको शेयर कर सकता है, जिसकी मदद से आप एग्जैक्ट उस जगह पे पहुंच सकते हो बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो चलो बिना समय वेस्ट किए हम देखते हैं कि इसके लिए क्या करना होता है। तो दोस्तों अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे जो है आप अपने लाइव लोकेशन किसी को शेयर कर सकते हैं या फिर सामने वाला बंदा आपको अपना लाइव लोकेशन जो है शेयर कर सकता है। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन का लोकेशन ऑन करना होगा। अगर आप WhatsApp यूज़र है तो WhatsApp में ये एक फ़ीचर होता है, तो आओ देखते हैं ये कौन सा फीचर है। यहाँ पे नीचे एक अटैचमेंट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, इस वाले ऑप्शन पे जब आते हैं तो यहाँ पे आपको छह तरह का ऑप्शन दिखाई देगा और जिसमें से आपको जाना है लोकेशन वाले ऑप्शन पे। यहाँ के इसके अंदर आने के बाद आपको छोटा सा मैप के अंदर आपका लोकेशन दिख रहा है और यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन है सेंड योर करेंट लोकेशन, इस वाले ऑप्शन को टच करना है और आपका लाइव लोकेशन सेंड हो जाएगा सामने वाले के फ़ोन में। देख सकते हैं यहाँ पर मेरा लाइव लोकेशन आ गया है इस वाले फ़ोन में। अभी आपका काम ख़त्म हुआ, अब सामने वाला बंदा आपको ट्रैक करेगा, कैसे? उस वाले मैसेज को टच करेगा और वो गूगल मैप पे चला जाएगा। आप देखो यहाँ पे ये जो ब्लू वाला सर्कल है ये मेरे फ़ोन का सर्कल है और ये रेड वाला है ये आपके फ़ोन का सर्कल है। जिसने सेंड किया है, जिसने अपना लाइव लोकेशन सेंड किया उसका फ़ोन का सर्कल रेड है और जो ट्रैक कर रहा है उसके फ़ोन का सर्कल है ब्लू, ठीक है। अभी दोनों फ़ोन साथ में है तो इतने डिस्टेंस पे क्यों दिख रहा है? इसलिए दिख रहा है कि अगर मान लो आप घर के अंदर रूम के अंदर बैठे हो और आप क्या कर रहे हो, अगर उसको ओपन कर रहे हो तो सैटेलाइट जो है आपको रूम के अंदर से सही से ट्रैक नहीं कर पा रहा। इससे होगा क्या, आपके आसपास जो भी इलाका होगा, जो भी एड्रेस होगा उसमें वो मैप कहीं भी आपको दिखा देगा। आप घर से बाहर आएंगे जब सैटेलाइट आपको सही से ट्रैक कर पाएगा तब आपका एग्जैक्ट लोकेशन दिखेगा। देखो धीरे 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 ये नज़दीक आ रहा है, क्यों? मैं घर से बाहर आ रहा हूँ और ये धीरे धीरे मुझे एग्जैक्ट लोकेट कर रहा है और इसके नज़दीक लेकर रहा है क्योंकि दोनों फ़ोन नज़दीक है। अच्छा दोस्तों, अब यहाँ तो हमने देख लिया कि ये लोकेशन दोनों ये कहाँ पे। अब मुझे अगर ऐसा समझ नहीं आ रहा कि इस तक पहुँचने का रास्ता क्या है, तो इस तक अगर मैं रास्ता देखना चाहता हूँ तो कैसे देखूँगा? नीचे देखो एक ऑप्शन है डायरेक्शंस का, ये डायरेक्शंस पे मैं जब टच करूँगा तो मैं जहाँ भी हूँ और वो जहाँ भी है उसका एक डायरेक्शन रास्ता बन गया है, पाथ बन गया है। अब इस पाथ के थ्रू डॉट 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 बन गया है, आप इसके थ्रू जो है डायरेक्टली आप उस तक पहुंच सकते हैं। तो ये है छोटा सा सिंपल, जिससे जो है आप बिना टाइम वेस्ट किए एग्जैक्ट उस जगह पे पहुंच सकते हैं जहां आप पहुंचना चाहते हैं। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने ये कितना इजी और कितना सिंपल मेथड था। ये ऑप्शन आपके फ़ोन में होते हुए भी आपको इसके बारे में नहीं पता या फिर पता है तो लेकिन आप इसको यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि आपको आपने कभी इसको सीरियस लिया ही नहीं। वेल, जो भी है, आप अगर इस वीडियो को नहीं देखा आपने पूरा तो पूरा एक बार फिर से रिपीट करके देखना, इस वीडियो में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी आपको। और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना राय और सुझाव जरूर देना। दोस्तों अगर आप हमें चाहते हैं सोशल मीडिया पर फॉलो करना तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बस दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस लाता रहता हूं। तो बस दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।